गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का अध्याय दो, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के कुछ नियम, जिनमें है पहला संवरक नियम, दूसरा साहचर्य नियम, तीसरा क्रम विनिमय नियम। ये तीनों ही नियम केवल योग एवं गुणा की संक्रियाओं पर लागू होता है, घटाने व भाग की संक्रियाओं के लिए नहीं। ऐसा क्यों? चलिए इसे उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला संवरक नियम। उदाहरण है, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आएगा एवं 3 में 5 जोड़ने पर 8 आता है। 5 में 3 घटाने पर 2 आएगा एवं 3 में 5 घटाने पर -2 आएगा। 5 तिया 15, 3 पंचे 15। 5 से 3 को भाग करने पर 0.6 एवं 3 से 5 को भाग देने पर 1.6 आता है। हम कह सकते हैं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, इसे योग के लिए संवरक नियम कहते हैं। इसी प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है, इसे गुणा के लिए संवरक नियम कहते हैं। दूसरा हमारा साहचर्य नियम। इसे समझने के लिए 3 राशियां ए, बी एवं सी दिया गया है। बाएं पक्ष में ए और बी को पहले जोड़ा गया है, फिर सी को जोड़ा गया है, तथा दाएं पक्ष में बी और सी को जोड़ा गया है, फिर ए को जोड़ा गया है। इसी प्रकार गुणा की संक्रियाओं पर भी किया गया है। चलिए उदाहरण पर समझते हैं। 2, 5, 7, 7 और 6, 11। इसी प्रकार 5 और 6, 11। 11 में 2 जोड़ने पर 13। आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष बराबर हैं। इसी प्रकार गुणा में भी 2, 5, 10, 10 × 6, 60, 5, 6, 30, 30 × 2, 60, दोनों ही पक्ष यहाँ पर भी बराबर हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने केवल कोष्ठक को बदला है, तो आप कह सकते हैं कि साहचर्य नियम में कोष्ठक को बदला जाता है। तीसरा है क्रम विनिमय नियम। इसमें भी चर राशि ए बी सी लिया गया है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस सी प्लस बी, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा सी गुणा बी। इसी उदाहरण से समझते हैं। 3 × 4 = 7, 4 × 3 = 7। यहाँ पर उत्तर दोनों बराबर हो रहे हैं। 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, यहाँ पर भी उत्तर बराबर हो रहे हैं। 12 − 3 = 9, 3 − 12 = −12। 3 से 12 को भाग देने पर 4 तथा 12 से 3 को भाग देने पर 0.2 आ रहा है। अतः आप देख सकते हैं कि क्रम को बदलने पर केवल योग एवं गुणा की संक्रिया में उत्तर बराबर हो रहा है। अतः कह सकते हैं कि ये तीनों नियम केवल योग एवं गुणा के लिए ही लागू होते हैं।